everyone, namaste and welcome to my channel Ruchi Style Corner. तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ अपना होम टूर जहाँ पर हम अभी रहने वाले हैं. सो अगर आपने इसकी पहले वाला वीडियो नहीं देखा है स्टोरी टाइम जिसमें मैंने अपनी सारा स्टोरी बताया है कि मैं क्यों शिफ्ट हुई हूँ, कहाँ शिफ्ट हुई हूँ, कहाँ रह रही हूँ, क्या हुआ है, वो सब कुछ अगर आपने नहीं देखा है तो वो देख लीजिएगा. वो इसी के पहले गया है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी तो आपको और क्लियरली समझ में आ जाएगा. तो एक शॉर्ट में मैं आपको डिस्क्लेमर दे देती हूँ. सो वी शिफ्टेड टू भोपाल राइट नाउ एंड ये जहाँ पर मैं अभी हूँ, जिस घर को मैं मेकओवर करने वाली हूँ, जिसका होम टूर आपको देने वाली हूँ, दिस इज माय इन-लॉज प्लेस. दिस इज अ ड्यूप्लेक्स बेसिकली. तो जैसा नीचे बना हुआ है सेम वैसे ही ऊपर बना हुआ है, मतलब जैसा ऊपर है वैसे ही सेम नीचे है. तो यहाँ नीचे पहले टेनेंट्स रहते थे, अभी उनको वेकेंट करा करके ये हम लोगों के लिए, हम लोग अभी यहाँ पर रहने वाले हैं. तो ये जो जैसा अभी आप देखने वाले हो ना, इस तरह का नहीं था. इसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी. जो मैं बिफोर, जब मैं मेकओवर वीडियोस डालूंगी तब मैं बिफोर की पिक्चर्स प्लेस करूंगी. अभी मैं सिर्फ आपको एक टूर दे रही हूँ. सो बी नाइस, बी काइंड बिफोर कमेंटिंग एनीथिंग, बिकॉज दिस इज अ 18 ईयर ओल्ड अपार्टमेंट. सो डू नॉट यू नो कंपेयर माई ओल्ड होम जिसमें मैं रह रही थी उसको और इसको. सो येस, विदाउट फर्दर डू, फटाफट से हम होम टूर देख लेते हैं. तो ये एक 2 BHK अपार्टमेंट है. ये इसका मेन एंट्रेंस डोर है, इसके सामने ही कार पार्किंग है. इस डोर के सामने पोर्च है छोटा सा, जिसमें आराम से कार पार्क हो जाती है. सो दिस इज़ द हॉल एंड मैंने शायद हॉल की प्रॉपर क्लिपिंग नहीं ली, मैं डायरेक्टली किचन में आ गई हूँ. तो ये किचन है एंड यहाँ पर सिर्फ कुछ भी, ना तो मॉड्यूलर है ना ही कोई कबर्ड है. तो ये सारा हम लोग वर्क करवाएंगे, इसका पूरा प्रॉपर मेकओवर करूँगी क्योंकि ये जो टाइल्स हैं ये काफ़ी पुरानी हो चुकी हैं एंड क्योंकि टेनेंट्स रहते थे तो इतना केयर भी नहीं करते हैं, तो थोड़ा सा मेस्ड अप है. तो इसको हम प्रॉपरली अच्छा सा एक मेकओवर देंगे किचन को, और इसको पूरा चेंज करेंगे, इसकी जो टाइल्स है उसका लुक चेंज करेंगे एंड सब कुछ इन बजट होने वाला है. ऑब्वियसली मैं बहुत ज़्यादा स्पेंड करने के मूड में नहीं हूँ, तो काफ़ी सारे मैं DIYs ट्राई करने वाली हूँ एंड देखते हैं क्या क्या करते हैं. कुछ आइडियाज़ एंड प्लान्स तो हैं मेरे पास. और ये जो विंडो वगैरह है इसकी तो क्लीनिंग करवाएंगे एंड किचन के बाहर निकलते से ही यहाँ पर एक छोटा सा पोर्च एरिया आता है जिसको आप ड्राई एरिया भी बोल सकते हो, वॉश एरिया भी बोल सकते हो. यहाँ पर एक अगेन वॉश बेसिन लगा हुआ है एंड वॉशिंग मशीन रख सकते हो. इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हो, आप बर्तन वगैरह क्लीनिंग के लिए यहाँ पे यूज़ कर सकते हो इस एरिया को. तो काफ़ी बड़ा एरिया है, मतलब बहुत छोटा भी नहीं है. एंड उसके बाद यहाँ से अंदर आने के बाद आते हैं हम लोग, ये हमारा हॉल स्टार्ट हो जाता है. तो इसका जो डाइनिंग एरिया है एंड लिविंग एरिया है वो कंबाइंड ही है, ऐसे रेक्टेंगुलर फॉर्म में ये हॉल है. काफ़ी बड़ा एरिया है, मतलब कैमरे में इतना समझ में नहीं आ रहा है बट इट्स क्वाइट बिग. मतलब मेरा सामान यहाँ रखने के बाद काफ़ी छोटा लग रहा है, मतलब सामान मेरा काफ़ी छोटा लग रहा है. एंड दिस इज़ अ वन रूम. ये एक दूसरा रूम है जिसको हम अपना स्टूडियो बनाएंगे या फिर विक्की का रूम बनाएंगे. तो ये जो वाइट पेंट है ये मेरे फादर इन लॉ ने करवा दिया. इसके अंदर बहुत डार्क कलर के पेंट थे. अगेन ये जो वार्डरोब है ये पूरी कवर हो जाएगी, वुडवर्क करवाना बाकी है अभी. उसके बाद निकलते हैं मास्टर बेडरूम की तरफ. तो ये अगेन हॉल ही दिखा रही हूँ मैं आपको, फिर से इस एंगल से, अलग अलग एंगल से आपको दिखा रही हूँ. तो ये मेन गेट वाला एंगल है एंड सामने किचन आता है. और उसके बाद आते हैं हम लोग मास्टर बेडरूम की तरफ. तो ये है हम लोगों का मास्टर बेडरूम. अगेन जो ऊपर का पोर्च दिया है उसको भी हम कवर करवाएंगे, जो एरिया है शेल्फ लगी हुई है. एंड दिस इज़ अ मास्टर बेडरूम. सामने वॉशरूम इसमें अटैच्ड है. तो ये है हम लोगों का सेकेंड बेडरूम. तो अभी क्लीनिंग वगैरह काफ़ी सारा काम बाकी है इसमें, तो लंबा प्रोसेस होने वाला है एंड देखते हैं मेकओवर में उठ करके कैसा आता है. काफ़ी सारे विजन्स तो हैं मेरे कि क्या करना है मुझे इसमें, तो लेट्स सी. तो ये जो मास्टर बेडरूम है इसका साइज़ भी काफ़ी अच्छा है एंड वेंटिलेशन यहाँ पर एक्चुअली में बहुत अच्छा दिया हुआ. सो काफ़ी सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी प्लान कर रखी है दिमाग में कि कहाँ क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है. फर्नीचर सारा सेट हो चुका है, अब सिर्फ जो फर्नीचर का काम है, जो कार्पेंट्री वर्क है थोड़ा बहुत वो होने वाला है एंड साथ ही साथ डेकोरेशन स्टफ होने वाला है, मतलब मेकओवर होने वाला है. दैट्स इट. सो या दैट्स इट फॉर माय वीडियो. अगर आपको वीडियो पसंद आया है देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो. मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय.